इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में होने वाले उपचुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने शिवसेना के शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट को झटका दिया। चुनाव आयोग ने दोनों ही गुटों को शिवसेना के आधिकारिक चुनाव चिन्ह धनुष बाण के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यानी ये साफ हो गया है कि 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में दोनों ही गुट चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एकनाथ शिंदे गुट की ओर से चुनावी सिंबल पर दावा किया गया था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इस सिंबल को ही फ्रीज कर दिया है। जो उपचुनाव होने जा रहा है अंधेरी ईस्ट में, उसमें दोनों ही गुट इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उद्धव ठाकरे जिनसे बगावत करके एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी बनाई और अपने गुट का को असल शिवसेना होने का दावा किया। और इस बड़ी खबर पर संवाददाता वैदेही काणेकर मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वैदेही, दोनों ही गुटों को सिंबल नहीं मिल पाएगा और ऐसे में ये उपचुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। जी बिल्कुल, अंधेरी ईस्ट में उपचुनाव है और उस उपचुनाव से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग क्या निर्णय देगा, इस पर सबका जो है वो ध्यान फिलहाल दिखाई दे रहा था। लेकिन आज जिस तरह से निर्णय केंद्रीय आयोग ने दिया है वो काफी जो है वो धक्का हम बोल सकते हैं दोनों राजनीतिक दलों को फिलहाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि शिवसेना ये एक ही पार्टी है, एक पार्टी के ये दो गुट है और दोनों गुटों ने अपने ओर से चुनाव चिन्ह और पार्टी पर जो है वो अपना दावा किया था। लेकिन दोनों जो गुटों ने जो है वो दस्तावेज चुनाव आयोग को भी दिए थे और आज 2 बजे से पहले शिवसेना को अपने दस्तावेज भेजने थे, जहां पर शिवसेना ने काफी सारी बातें भी कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2/3 जो गुट है वो फिलहाल हमारे पास ही है और जो गुट बाहर गया है उस पर जो है वो अभी तक कोर्ट में निर्णय होना अपेक्षित है, लेकिन वो निर्णय अभी तक आया नहीं है। और इस प्रकार शिवसेना की जो ओरिजिनल पार्टी है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, ऐसा फिलहाल उन्होंने जो है वो दावा चुनाव आयोग के सामने किया था। लेकिन चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है वो काफी महत्वपूर्ण है और दोनों दलों को जो है अभी शिवसेना का नाम जो है वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते और चुनाव चिन्ह भी फ्रीज कर दिया है। तो अभी इस उपचुनाव में किस प्रकार अभी दोनों दल एक दूसरे के सामने किस प्रकार लड़ेंगे, कौन से चिन्ह देंगे, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन 10 अक्टूबर तक का समय जो है वो चुनाव आयोग ने भी दिया है और दोनों गुटों को 3-3 चुनाव चिन्ह जो है वो अपनी ओर से सबमिट करने को भी कहा है। तो कौन से चुनाव चिन्ह शिवसेना देगी, कौन से चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे देगी, ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। जी वैद्य ही, इस बारे में हालांकि अभी कहना काफी जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी अभी ये फैसला आया है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के दोनों ही गुट धड़ों की तरफ से रिएक्शन आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर जो ये 3 संभावित चिन्ह माने गए, क्योंकि अगर हम पिछले इसकी बात करें, इसी तरह का मामला तमिलनाडु में सामने आया था और शिंदे गुट के किरण पावस्कर वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किरण जी, इस रिएक्शन को ले, इस फैसले को लेकर आपकी पार्टी का क्या रिएक्शन है? रिएक्शन कुछ नहीं, अगर दोनों हम लोग कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए गए थे, इसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास आया, इलेक्शन कमीशन ने जो भी डिसीजन दिया है जी, वो हमें उसका आदर रख के हमें मान्य करना है। उसके साथ साथ हमारे बारे में जो मंडे हमें जो सबमिशन वापस करना है जी, उस बारे में आज या कल हमारे पक्ष के प्रमुख नेता एकनाथ जी शिंदे साहब और बाकी के नेता विधायक साथ में बैठ के उस बारे में डिसीजन ले लेंगे जी, और मंडे जो सबमिशन करना है वो जरूर करेंगे। ठीक है किरण जी, कहीं ना कहीं ऐसे कदम की आशंका पहले से रही होगी, कोई प्लान भी तैयार किया है आप लोगों ने? सर ऐसे की प्लान की आशंका उसके, ये जो डिसीजन हुआ है वो बाय इलेक्शन जो अंधेरी हो रही है उसके बारे में हुआ है। दिस इज नॉट दिस इज अ टेम्पररी सॉल्यूशन, इट इज नॉट अ परमानेंट वन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उद्धव गट की जो है जी, देखो ये सब कुछ शिवसेना नाम किसने मिलाया था, बाला साहब ने लाया था, धनुष बाण कौन लेके आया, बाला साहब लेके आए। सर ये 2 डिफरेंस है, आप कमाई और बाप कमाई। ठीक है चलिए, ये तो राजनीतिक का मुद्दा नहीं है, यहाँ ईसी का फैसला है और इस पर जो है हम आपका रिएक्शन चाहते थे। बहुत शुक्रिया अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। वैदेही, कहीं ना कहीं जो पिछली नजीर है इस पूरे मामले में वो तमिलनाडु में तब देखने को मिली थी कि AIDMK के 2 धड़े हुए थे और दोनों का सिंबल फ्रीज कर दिया गया था, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों ने रणनीति बनाई होगी कुछ ना कुछ।
जी बिल्कुल, दोनों पार्टियों के पास प्लान बी जो है वो फिलहाल तैयार है, ऐसा भी फिलहाल जो है वो सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है। क्योंकि जैसे हमने कल अरविंद सावंत इनसे भी बात की थी, तभी उन्होंने भी कहा था कि शिवसेना हर प्लान पे तैयार रहती है, यानी प्लान बी जो है वो शिवसेना के पास तैयार है। और शिवसेना जो चुनाव चिन्ह को लेकर अभी फिलहाल काफी अड़चन में आ चुकी है, उनके सामने काफी चुनौतियां पैदा हो चुकी है। शिवसेना जो है वो बाघ, यानी शिवसेना का चुनाव चिन्ह नहीं लेकिन शिवसेना का चिन्ह जो बाघ है वो भी चुनाव चिन्ह के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकती है, जो कि काफी पुरानी पहचान है शिवसेना की। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि शिवसेना ने इससे पहले भी 6 अलग अलग चुनाव चिन्ह पर जो है वो चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। ठीक है, अब सोमवार को दोनों ही पार्टियों की ओर से, दोनों पार्टी के दोनों धड़ों की ओर से चुनाव आयोग के पास दोनों जाएंगे और देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया मैं दही पूरी जानकारी के लिए।